रीवा सीधी सिगरौली रेल लाइन परियोजना भूमि अधिग्रहण से पीड़ित किसानों के गोविंदगढ़ में जारी आंदोलन के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक शिव सिंह, किसान नेता रामजीत सिंह, इंद्रजीत सिंह संखू और पूर्व विधायक राम गरीब बनवासी, पूर्व विधायक राजेंद्र मिश्रा ने पहुंचकर समर्थन किया। आंदोलन स्थल पर आंदोलनकारी सुग्रीम सिंह, महेंद्र पांडे, राजेंद्र शर्मा, रामायण शर्मा, संजीव विश्वकर्मा, ददन सिंह, श्रीकांत अग्निहोत्री, विनय द्विवेदी, मोहित मिश्रा, शैलेन्द्र पांडे आदि उपस्थित रहे। संयुक्त मोर्चा के संयोजक शिव सिंह ने बताया कि सन 2008 एवं 2009 में रीवा से सिगरौली के अंदर लगभग हजारों किसानों की जमीनें अधिग्रहित की गई थी। कई वर्षों तक यह लड़ाई हमने लड़ी। दिनांक 17 दिसंबर 2013 को भूमि अधिग्रहण से प्रभावित विस्थापित किसानों के आश्रितों के परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिए जाने की अधिसूचना जारी की गई थी, जिसकी अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2014 रखी गई थी, जिसमें सैकड़ों किसानों के परिजनों को नौकरी दी गई। अभी भी सैकड़ों की संख्या में किसानों के परिजन है। सन 2014 के बाद लगातार देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। इसी दौरान रेलवे प्रबंधन ने यह आदेश जारी किया कि भूमि अधिग्रहण से पीड़ित किसानों के रिश्ते में जो नाती रखते हैं उनको नौकरी का प्रावधान नहीं है। हमने यह मांग किया था कि यदि कानून में बाबा की संपत्ति पर नाती का प्रथम हक बताया गया है तो फिर नौकरी में नाती को क्यों बाहर रखा गया। इसका जवाब ना तो रेलवे प्रबंधन ने दिया और ना ही रेल मंत्रालय ने दिया, ना ही प्रधानमंत्री कार्यालय ने दिया। इसके बाद इस आधार पर पीड़ित किसानों को प्रताड़ित किया जाने लगा कि 11 नवंबर 2019 के बाद रेलवे भूमि अधिग्रहण से पीड़ित किसान को नौकरी के प्रावधान से दूर रखा गया है। इसी को लेकर लगातार गुमराह किया जाता रहा, लेकिन रेलवे प्रबंधन जबलपुर ने अपने पत्र दिनांक 25 अगस्त 2020 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि दिनांक 11 नवंबर 2019 के पूर्व तक प्राप्त आवेदनों पर ही कार्यवाही की जानी है। इस आधार पर यह स्पष्ट हो गया कि जिन पीड़ित किसानों के परिजनों ने 11 नवंबर 2019 के पूर्व नौकरी हेतु आवेदन किया था उन सभी को नौकरी पाने का हक अधिकार है। इसके बाद भी रेलवे प्रबंधन किसानों को परेशान एवं प्रताड़ित कर रहा है। श्री सिंह ने यह भी कहा कि 2014 से लगातार पूरे जोन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सांसद निर्वाचित हुए जो रेलवे कमेटी के अंदर मेंबर होते हैं और कोई भी नियम कानून में बदलाव होता है तो उनकी सहमति ली जाती है। ऐसे में स्पष्ट हो चुका है कि जो भी किसान आज नौकरी एवं मुआवजे को लेकर धरने पर है इसकी जिम्मेदार देश एवं प्रदेश में बैठी सरकार एवं उसके सांसद है। अभी कुछ दिन पहले सभी भाजपाई सांसदों ने चुनावी राजनीति के लिए सदन में औपचारिक रूप से बात रखी, लेकिन उन्होंने गंभीरतापूर्वक पीड़ित किसानों का पक्ष नहीं रखा, जिससे आज किसान आंदोलन को मजबूर हो रहा है। संयोजक शिव सिंह ने आंदोलनकारियों को स्पष्ट रूप से कहा कि यह बड़ा मुद्दा है, किसानों की पीड़ा से जुड़ा मामला है। हम इस मुद्दे को एसकेएम की राष्ट्रीय कमेटी को भेजेंगे। वादा करते हैं कि बड़े स्तर पर मोर्चा इस लड़ाई को लड़ेगा। जब चुनाव आता है तब कोई मुश्किल सरकार नहीं होगी। ये नेता किसी भी दल का हो, कानून और हर हर में हो पाएंगे तब उनको चौका सुस्त मालूम होंगे। आपके घर में इतने आदमी, इतनी दारू चाहिए, इतने पैसे चाहिए। आज एसकेएम को रजिस्टर्ड हो रही है, वो लिस्ट गड़बड़ हो रही है। क्यों हो रही है? उन्हें पता है कि हम इसको भ्रमित करें, गुमराह करें, तो निश्चित तौर पर ये लड़ाई हम लड़ेंगे, ये लड़ाई जीतेंगे। लेकिन एक बार और कहना चाहता कि लड़ाई कोई आदमी ये न सोचे, हम अपने तौर पर अपने भी लगेंगे। सरकार डराने की कोशिश करेंगे, मुकदमे भी लगेंगे। हो सकता है हम सब पहले नहीं जाए, लेकिन साथ में रहेंगे, साथ में रहेंगे। किसानों की अधिग्रहित की गई भूमि और उनके परिवार को नौकरी देने के वादा समय पर पूरा न करने के खिलाफ में आयोजित प्रदर्शन में प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे सुग्रीम सिंह जी समस्त भाषा के किसान भाइयों, शिक्षित बेरोजगारों, कार्यक्रम में उपस्थित कांग्रेस पार्टी के विद्वान, पूर्व मंत्री विधायक श्री राजेंद्र मिश्रा जी, कांग्रेस पार्टी की
प्रदेश की उपाध्यक्ष विधि नेता कविता पांडे जी, आप लोगों के बीच में हमें महेंद्र पांडे जी ने बुलाया, हम इनके आमंत्रण पर आप लोगों की बीच में हाजिरी देने के लिए उपस्थित हुआ। इसी उपस्थिति पर आप लोगों के मांगों का प्रदर्शन का हम अपने तरफ से स्वागत करते हैं। नहीं कोई जमीन इसी होगी, हम इसमें उलझने नहीं चाहते, हम नहीं उलझना चाहते। हमारे पास की जमीन का रिकॉर्ड है, हमारे जमीन में किसी ने नहीं लिखा, ये जो तुम्हारे पास रिकॉर्ड है, गलती तुमने नहीं, सुधारना भी तुम्हें पड़ेगा।